रियलिटी रिपोर्ट में आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, राहुल महाजन और अमृता माने। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। राहुल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अमृता से आपकी मुलाकात कहाँ हुई? ये बड़ी फिल्मी मुलाकात हुई हमारी, क्योंकि मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था केरला में, और एक चिल्ड्रंस फिल्म है, अच्छी फिल्म है, इंटरेस्टिंग, और मैं आर्मी ऑफिसर का रोल निभा रहा था। और हमारी एक उसमें जो किरदार, एक महत्वपूर्ण जो लड़की थी, वो एन वक्त नहीं आई, और भी बोले किसको बुलाए, क्या करें। तो अमृता का फ़ोटो देखा हमने, सबने बोला किसको बुलाते हैं। तो चार घंटे में अमृता आ गई, मुझे उसका कोई मिलना जुलना नहीं था, और तब हम मिले। और फिर जब मिले तब से जो हमारी कहानी शुरू हुई पिक्चर के साथ। पिक्चर में हम हीरो हीरोइन नहीं है इस वाले, और वहाँ से कहानी शुरू हुई। और बात यह है कि अमृता मेरे एरिया में रहती थी, मुंबई में 8 साल से रही है, हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, पर हम कभी मुंबई नहीं मिले। मिले तो मिले केरला में मिले, वो भी अचानक से। मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मैंने हमेशा इनको स्क्रीन पे देखा था, कभी पर्सनल लाइफ में नहीं देखा था। तो जब मैं मिली तो इट वॉज लिटिल, यस आई वॉज एक्साइटेड टू मीट हिम। और यस, मिलने के बाद एक मराठी कनेक्शन भी था हमारे बीच में, काफ़ी कंफर्टेबल थे हम लोग। दोनों भी बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, तो वो एक था कि बहुत कम टाइम लगा एक दूसरे को जानने में। सेट पे मिले और बातचीत भी हुई आप दोनों की, ये आप दोनों ने कब महसूस किया कि यू गाइज आर फॉल इन लव विद ईच अदर? एक्चुअली अभी हम लोग को शायद नहीं, इसने एक बार क्या हुआ था, पहले दिन तो इसको मैंने वेलकम खुद किया था, सुबह इनकी 2 बजे फ्लाइट आई तो मैंने खुद ही मिला, किसी ने नहीं मिला। मगर ये तीसरे दिन शाम को अपने बाल धोकर खुले रख के आई थी, और उसने वो एकदम नाइस वाइट कलर का ड्रेस पहना था, और तब मुझे पता चला कि हाँ यार। एंड मेरे ज़िंदगी में कोई भी अब तक मराठी लड़की नहीं थी, मतलब मराठी वगैरह भी तो एक थोड़ा होता है, कोल्हापुर की लड़की है, बातें होती है, तो हम तो तीन तीन भाषाओं में बोल सकते हैं। तो कई बार प्राइवेट बात करनी तो मराठी में बोल लेते हैं, जब बाकी लोग जैसे आप हैं उनके साथ बात करनी तो कैसा ही काय कैसे करते हैं। प्यार के साथ साथ दोनों के बीच में मराठी कनेक्शन भी है। बिल्कुल डेफिनेटली यस। हम जानना चाहेंगे आपसे कि राहुल और अमृता दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने किया एक दूसरे को? प्रपोज तो किसी ने किसी को नहीं किया। एक्चुअली कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे नेचुरल कनेक्शंस होते हैं वो सिर्फ उनको पता है और मुझे पता है। अच्छा। और ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों में से अभी तक किसी ने एक दूसरे को ये भी नहीं कहा कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं या कुछ ऐसा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कहा। वी नेवर सेड नो। एक्चुअली आई लव यू, यस। और कैसे बोला राहुल आई लव यू? मतलब कैसे बोला, मतलब राहुल, अमृता इतनी दूर से आपके लिए आई हैं, कुछ सरप्राइज नहीं है अमृता के लिए? सरप्राइज कुछ प्राइज रख दो सर्व किया उसके ऊपर। इंटरेस्टिंग बात है, यस। व्हाट इज द सरप्राइज बाय द वे? कुछ तो करना पड़ेगा अब प्यार के खातिर। राहुल महाजन, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ सरप्राइज रखा है दिल्ली में? बिल्कुल। मेरे ख्याल से जिंदगी का सफर, हम सफर के साथ थोड़ा रोमांटिक सफर हो जाए तो उस सफर को सफर नहीं करेंगे, हम इंजॉय करेंगे। तो मैंने अमृता के लिए एक रोमांटिक ड्राइव की व्यवस्था की है। कोहली के पास भी ये गाड़ी थी, मगर एक कन्वर्टेबल नहीं थी। ये जो लाया हूँ मैंने आज, ये थोड़ी बेटर वाला मॉडल है, और कोहली जी ने अपनी वाली बेच दी है, मगर ये दिस इज़ अ कन्वर्टेबल ऑडी R8 स्पाइडर एंड बिग बॉयज टॉयज। तुम चलाओगी? चला लो। शी कांट ड्राइव द कार बट शी ड्राइव्स मी क्रेजी। भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे आजकल आप दोनों ट्विटर पे बहुत छाए हुए रहते हो, फोटोज डालते रहते हैं आप आए दिन, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जैसे कॉलेज टाइम वाला प्यार, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए।
हाँ बहुत मज़ा आता है। हम ट्विटर पे कभी भी नोक झोंक भी करते हैं कई मुद्दों पे, भले क्रिकेट हो या पर्सनल चीज़ें हो या फिलोसफी हो, और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हम डालते हैं, जहाँ भी जाते फ़ोटो डालते रहते हैं। हम लोग आदत पड़ गई, मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद नहीं था फ़ोटो करना और डालना, इसकी वजह से आदत पड़ गई मुझे। आपको अच्छा लगता है ट्विटर पर फ़ोटोज़ वगैरह डालना? इनफैक्ट मैं ट्विटर पे थी भी नहीं, राहुल की वजह से मैं ट्विटर पे आई, इन्होंने मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ाए और अभी मज़ा आ रहा है ट्विटर पे। ट्विटर से बात जब चली है तो आपने हाल ही में एक फ़ोटो डाली थी जिसमें आप और अमृता दोनों मंदिर से बाहर लौट रहे हो और बहुत ऐसी अफवाहें थी कि आप दोनों ने शादी कर ली। मेरे पास वो फ़ोटो है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी इसको दिखाएं। ये वो फ़ोटो है, खबरों का बाजार था पूरा गर्म हो गया था कि राहुल महाजन और अमृता ने शादी कर ली है, तो इसके पीछे क्या वजह थी? मुझे पता भी नहीं चला एक्चुअली, मैंने फ़ोटो बड़ी एक्साइटमेंट में डाल दी क्योंकि वो ठाकुर जी की मूर्ति से जो हार थे हमारे घर में डाले, इतने डाले गए और उसके सर पे चंदन था और ऐसा माहौल दिखाई दिया और मंदिर के अंदर ही थे हम और काफ़ी मीडिया वाले वहाँ थे एक्चुअली मंदिर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और डाली फ़ोटो, लोगों ने मुबारकें दे दी कि शादी हो गई शादी हो गई। इनफैक्ट उसके बाद मैंने बोला शादी नहीं सिर्फ दर्शन हुआ है, मगर मज़ा भी आया क्योंकि वो मेरे ख्याल से जो फ़ोटो डालने की खबर नहीं थी पर उससे जो अफवाहें उड़ी वो ज़्यादा बड़ी खबर हो गई। राहुल, आपके बारे में एक जो चीज़ सभी जानना चाहते हैं कि जो आपकी छवि जो है, जो सोसाइटी में आपकी छवि है, आपको जो ऑडियंस है आपकी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया जाता है, मतलब एज अ मजाक के तौर पर, भले ही आप उस चीज़ को सीरियस तौर पर बोल रहे हैं, तो ये जो आपकी छवि जो बनाई गई है इस पर आपका क्या कहना है? आप एक्चुअल में ये यही है या फिर सुर्खियों में बने रहने के लिए आपने खुद को ऐसा बना लिया है? पहली बात है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई कुछ करता नहीं है, चरित्र पे सुर्खियाँ नहीं बनाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि जब मैंने 2006 से लोगों ने जो देखा मेरे पिताजी के बाद या बाकी जो घटनाएँ हुई, लोगों ने कहा बैड बॉय बैड बॉय। बिग बॉस में गया और मैंने बैड बॉय में कृष्ण कन्हैया का रोल किया, मैंने मस्ती की मजाक किया जो मुझे मन किया, लोगों ने कहा ये तो प्ले बॉय प्ले बॉय प्ले बॉय। जब मैंने नच बलिए किया, बच्चों का शो किया, देश को हंसाया, करोड़ों का हंसाया, अरे ये जोकर ये जोकर ये जोकर। जब उसके सोचा कि शादी कर लूँ फिर, अरे ये तो स्वयं का नाटक रचा रहा है। तो जो भी आप कोशिश करो, आप अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, तो दुनिया क्या दुनिया कहती रहेगी, इससे समस्या नहीं होनी चाहिए। और मुझे दुख भी नहीं कि लोग क्या कहते, कि वो जानते नहीं मुझे, तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हे गॉड प्लीज़ फॉरगिव देम दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, तो मैं इतना ही कहूँगा। और मेरा काम है कि मैं जो हूँ, देखिए कई बार ना परसेप्शन रियलिटी से बड़ा हो जाता है, तो परसेप्शन रियलिटी मेकअप चेंज हो रही है, आप अपना रहो। सच्चाई अगर आनी है ना तो सारी धूल निकल के एक दिन सच्चाई तो आनी ही आनी है। जैसा मैं वैसा ही हूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट ही हूँ, मेरे कोई ग्रे एरिया नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जो राहुल का जो जो पास्ट रहा है, राहुल की दो शादियां हुई हैं, काफ़ी लड़कियों के साथ उनका नाम जुड़ा, ये सब चीज़ें आपको पता है, तो कहीं मन में कुछ इनसिक्योरिटी आपको फील होती हो राहुल के जो पास्ट है उसको लेकर? देखो हर एक का पास्ट होता है, जैसे मेरा भी पास्ट रह चुका है, उनका भी पास्ट रह चुका है, तो पास्ट मैटर नहीं करता। अभी प्रेजेंट में कैसे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, और प्रेजेंट में उनके मेरे फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक दूसरे से मिलती हैं। छोटे छोटे डिफरेंसेस हर एक में होते हैं और वो छोटे छोटे हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है। राहुल, चार ऐसी चीज़ें जो अमृता के बारे में आपको बहुत पसंद है और चार ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं पहले बोलूँ क्या? हाँ बिल्कुल। ये बहुत सोती है 12-14-16 घंटे, बहुत आलसी है, बहुत हर चीज़ में लेट करती है और बहुत आराम से रहती है, जैसे इनको लगता है कि ये 24 घंटा गोवा में ही बैठी हुई है बीच पे। और अच्छी बात ये कि इनके संस्कार जो इनके माँ बाप ने इनको दिए हैं, इनकी जो रूट्स है, एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली के रूट्स है, ये गुची प्राड़ा शॉपिंग गाड़ियों की शौकीन नहीं है ना ज्वेलरी की है, बात वो सिंपलिसिटी, मतलब ये मजाक मस्ती सब करती है, सिंपल मतलब कि ये दाल नहीं है, ये है चिकन तड़का, मगर ये देसी चिकन है, ये सचमुच देसी गल है, दिखती भी देसी है। अमृता, राहुल के बारे में ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद, आप चाहती हैं कि राहुल उसे चेंज करें? देखो राहुल, यस, उसके मेरे बीच में ये एक पॉइंट है जो काफ़ी हम लोग बातें करते हैं और उनको मेरे से एक बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, रिपीटेडली बोलते रहते हैं कि ओवरलैप मत करो।
तो ये चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं ओवरलैप नहीं करती, ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है उनमें है। और थोड़े बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बट उनका जो गुस्सा है वो एक बच्चे की तरह है, जितना गुस्सा जल्दी होते उतने जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाते हैं। राहुल, दो शादियां आप पहले भी कर चुके हैं और अब तीसरी शादी आप करने जा रहे हैं अमृता से, तो इतनी शादी करने की हिम्मत आप कहाँ से लाते हैं? अगर कोई विद्यार्थी 10th में या 12th में फेल होता है तो कोशिश तो करता है ना कि मैं पास हो जाऊं, और जब तक पास नहीं होता कोशिश रोक ही जाती, तो ये मेरी आखिरी कोशिश होगी वैसे थर्ड टाइम होता है तो। और अगर तो सीरियसली कहा जाए तो कोई नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हो, पर्सनल लाइफ ख़राब हो, शादी टूटे, पर्सनल रिलेशनशिप ख़राब हो, कोई नहीं चाहता आदमी, वो कितना भी अच्छा कितना ही बुरा हो, कोई नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई दुविधा है, कोई ऐसी बाधा है, कुछ बर्बादी हो। मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ, कर्म करता हूँ, फल की चिंता तो नहीं कर सकता हूँ, पर ज़रूर इस बार लगता है कि जिस तरह हमारी केमिस्ट्रीज का प्यार, जितना हम समय जरूर दे रहे हैं, क्योंकि पहली दो शादियों में मेरे ख्याल से पहली शादी में बहुत कम दिन में शादी की थी, सेकंड स्वयंवर में बहुत कम समय मिला था, तो इस बार हमने तय किया कि इतना समय एक साथ बिताएंगे उसके शादी का निर्णय लेंगे, तो उतना समय एक साथ बिता रहे, उतना वक्त बिता रहे, और वो कोई कैमरा मीडिया या कोई इमोशनल इसके अंदर नहीं होता। कई बार आप फर्स्ट शादी जैसे मैं, पिताजी गुजरने के बाद थोड़ी एम्प्टीनेस, पुरानी दोस्ती, कोई भी चीज़ थी, ऐसी कोई व्यक्ति कोई ख़राब नहीं होता, पर कई बार समय ख़राब होता है, उनकी केमिस्ट्री ख़राब होती है, इंसान अपनी जगह सब सही है। तो मैं इस बार उम्मीद करता हूँ और इस बात का यकीन मुझे है, उम्मीद नहीं कहूँगा यकीन है, कि भगवान और कर्म और भाग्य मेरे हर बार तो विपरीत नहीं होंगे, सो आई होप फॉर द बेस्ट। बहुत संजीदा हो गए राहुल महाजन, दर्शक बहुत कम ही देख पाते हैं आपको ऐसे अवतार में। वो तो आप ही लाती है फराजी मेरे में से संजीदापन तो ये कला आप में ही है। आप बताइए, आप अभी तैयार हैं शादी के लिए? शादी के लिए वैसे हमको अभी मिलके 3 या 4 महीने ही हुए हैं, और यस हमने एक दूसरे को टाइम दिया है, काफ़ी सारा टाइम एक साथ बिता रहे हैं, यस शादी जब करेंगे तो सबको पता लगेगा, और यस अभी तक तो बहुत पॉजिटिव है। तो ये थी एक मुलाकात राहुल महाजन और अमृता माने के साथ, और हम इनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और इन दोनों की नोकझोंक और इनका प्यार आप देख सकते हैं हमारे खास शो क्रिकेट कैमरा एक्शन।